हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। सबसे पहले गुड इवनिंग आप सभी को। इस समय अभी शाम के 7 हो रहे, नहीं पानी नहीं है, और हम लोग आ गए हैं शाम के समय गंगा साइड घूमने, क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है, शांत माहौल रहता है और शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु, पूरा व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। शाम के समय यहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध रहता है, क्योंकि पूरी तरह से खाली है। और ये है पूरा गंगा का मैदानी इलाका जो कि आप लोग देख रहे हैं। मेरे पीछे देखिए काफ़ी बच्चे आ गए हैं इधर, सब लोग गंगा साइड घूमने के लिए। और मेरे साथ ये नवनीत सिंगल भी हैं, और पीछे आप शशिकांत और उसको देख रहे हैं रविंदर को। तो चलिए पास चल रहे हैं, वहाँ दिखाएंगे। पीछे देखिए रेनबो जैसा कुछ तस्वीर आपको दिख रहा होगा, खैर रेनबो तो है नहीं, सूर्य का जो किरण है वो थोड़ा बिखरा हुआ है, प्रकृतित हुआ है। फ्रंट के ला फ्रंट की तो राजू बैग। तो भाई देखिए हम लोग आ गए एकदम रेतीली जमीन पर, रेगिस्तान में। और रेगिस्तान में नवनीत सिंगल भाई मजे कर रहे हैं, साथ में अपने मामा को लेकर के बालू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ चित्र बनाओ, हाँ बनाओ चित्र, हाँ बनाओ कमल का फूल। वाओ वेरी नाइस व्यू ऑफ फ्लावर। उधर देखिए मामा भी चित्र बना रहे हैं। मामा वो देखा दुर्गा माई का चित्र, हाँ आई शाबाश बहादुर। काफी अच्छा सूर्यास्त यहाँ हो रहा है भाई, सूर्य तो डूब चुका है, वहां से काफी लोग आ रहे हैं सारे इलाहाबाद के लड़के। उधर देखिए कुछ लोग झोपड़ी बनाकर आग सुलगाए हुए हैं, जो कि सब्जी वगैरह करते हैं। उधर देखिए मैंने गंगा में जाके डुबकी लगा रही है। ये देखिए व्यू काफी प्यारा व्यू है। उधर वो लोग पहाड़ बना रहे हैं, हिमालय, हिमालय पर्वत श्रेणी, काराकोरम दर्रा। हाँ बनाओ पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये देखिए व्यू, वहां देखिए काफी लोग, खैर यहाँ से उतना स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन काफी लोग वहां इकट्ठे हुए हैं। पानी में एक धारा वहां से पानी की जा रही है। चला जाओ जाओ नीचे जाओ तुम। ये बालू देखिए किस प्रकार से किनारे जाकर लगी हुई है। ये देखिए बालू किस प्रकार से हमारे पैरों के साथ नीचे खिसक रही है। भाई पानी तो नहीं है, लेकिन उतना गहरा दिख रहा था ज्यादा। आई एम क्रॉस द रिवर, आप लोग भी आ सकते हो। अब यहाँ से पूरा तट देखिए, बालू किस प्रकार से गिर रही है नीचे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ शाबाश। ये देखिए बालू लोग कैसे गिरा है। चप्पल देखिए फेंक दिया बदमाश लड़का। हाँ गिराओ नीचे बालू, टोटल बालू नीचे गिरो। हाँ आ जाओ रविंदर, अरे शाबाश, हाँ आ जाओ नीचे। हे या वो देखिए बालू कैसे नीचे कर रहा है।
तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं एकदम मध्य तट में, जो रेता है मेन गंगा का मैदानी इलाका। उस साइड भी गंगा बह रही है, उनका कुछ धारा है और इधर पूरी धाराएं। मेन धारा तो खैर यही है जहाँ नाव एकदम बीच में है, तो नाव के पास भी रहते हैं। और हम लोग जाएंगे एकदम उधर, शायद देखे पार हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पानी काफी ज्यादा है। और देखिए कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। हाँ ये रही मेन धारा, यहाँ पानी काफी ठंडा है। हाँ क्योंकि पानी का जलस्तर उतना है नहीं। ये देखिए व्यू, नवनीत सिंगल पीछे हैं, डर रहे हैं। ये देखिए पक्षियां चहचहा रही हैं, उछल कूद कर रही हैं। मछली पकड़ रही है। दो नाव आप इस समय नदी में देख सकते हैं गंगा जी। अरे नहीं पानी नहीं, चलो रेता भा रेता। ना बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। वो देखिए पक्षी गिरी झम से, मछली लेकर फिर निकल गई। ये देखिए व्यू पूरा यहाँ का। अब यहाँ से देखिए सूर्य का प्रकीर्णन, क्योंकि इसमें शाम। वैसे थोड़ा थोड़ा आप लोग रेनबो देख रहे होंगे, फिर उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका कुछ कलर है रेनबो जैसा बना हुआ। ये रहा पूरा व्यू यहाँ पूरे गंगा इलाका का। अब हम लोग चल रहे हैं और जो मेन धारा है उस पे, ये मिडिल वाला धारा था। कुछ बच्चे नाव वाले को बुला रहे, वो नाव वाला जा रहा है काफी स्पीड में। चलो पार हो, ये ज्यादा पानी आ गया। यहाँ से पूरा शास्त्री ब्रिज आप देख सकते हैं। और ये रहा बिजली का पोल खंभा, यानी कि वैसे बाढ़ जब आती है तो वो जो खंभे का आप देख रहे हैं जहाँ तक लोहे का अस्तर है उसका आधा, यानी कि जो वो सीमेंट वगैरह का बनाया गया पिलर, वो पिलर आधा से ज़्यादा डूब जाता है। अब यहाँ से आप गंगा जी का पूरा जो है मेन धारा देख सकते हैं, कितने क्षेत्र में विस्तृत हुई है, फैली हुई हैं। ये पूरा व्यू देखिए, क्योंकि शाम का समय है तो उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा। ये देखिए मेन धारा और यहाँ मृदा का कटाव आप देखिए किस प्रकार से बना हुआ है। ये पूरा व्यू देखिए, पानी का मेन धारा यही है और कुछ धाराएं उधर से होकर बह रही हैं। अब ऐसे में देखिए काफी चौड़ा चौड़ा पूरा मृदा कटाव किस प्रकार से हुआ। यहाँ तो काफी गहरा है, यहाँ तो हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि अचानक गहरा हो सकता है। नहीं भाई पानी यहाँ बहुत है। अरे बाप रे झम। हाँ पूरा बालू देखिए, मस्त बालू निकली है। ये देखिए कटाव, ए ए ए ए या झम, किस प्रकार से मृदा कटाव बन रहा है। ये देखिए ना, ये देखिए मृदा झम, सॉयल इरोजन। इस समय देखिए जो सूर्य का प्रकाश है उसका प्रकीर्णन गंगा जी में किस प्रकार से बन रहा है। बहुत प्यारा व्यू है, एकदम शांत माहौल, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं।